ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री पर डॉक्टरी प्रैक्टिस करने का मामला, किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकता है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो और भी हैरान करने वाला है। जीवाजी यूनिवर्सिटी से 5 साल का रिकॉर्ड पुलिस ने मांग लिया है, जिसे देने में आनाकानी शुरू हो रही है। देखिए, प्रतीक्षा दायमा, ये वो नाम है जिसने जीवाजी यूनिवर्सिटी से न केवल डॉक्टर की फर्जी डिग्री हासिल की बल्कि 3 साल तक प्रैक्टिस भी करती रही। और अब जब वो और उसका साथी शफीक पुलिस हिरासत में है तो नई परतें खुलने लगी हैं। पुलिस रिमांड के दौरान शफीक के मोबाइल में एजेंट के नाम से नंबर मिला है। माना जा रहा है कि ये उस शख्स का नंबर है जिसका जेयू में आना जाना है। इससे पुलिस का शक यकीन में बदल रहा है कि मामले में जेयू से सीधा लिंक जुड़ा हो सकता है। दायमा और शफीक से पूछताछ के दौरान पुलिस को ये भी लगने लगा है कि पूरे खेल के पीछे डिग्री बेचने वाला गिरोह हो सकता है। सबसे खास बात ये कि इस मामले को लीड करने वाले आईपीएस अफसर कहते हैं कि विश्वविद्यालय कॉपरेट नहीं कर रहा, वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रहा। जो संबंधित जो असिस्टेंट स्टार एग्जाम है उनको अपने समक्ष बुलाया था और मैंने ये कहा कि भाई ये जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो पत्र है इस पर आपने क्या क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने इसका बड़ा बिल्कुल बिंदुवार प्रतिवेदन तैयार किया है और जो 2 साल का जो रिकॉर्ड है उन्होंने उसको निकाल भी लिया है और पुलिस डिपार्टमेंट को जानकारी दी जा रही है। लेकिन क्या इस तरह से हो सकता है सब कुछ फर्जी बताया? अब देखिए, जो चीज़ की जाँच पुलिस कर रही है तो चीज़ें सामने आने दीजिए। कहीं कोई संशय या कहीं कोई ऐसी स्थिति रहती है तो वो कुल सचिव से सीधे बात करें, हमारी ओर से पूरी उनका जो भी उनके जिस तरह के दस्तावेज और जो भी जानकारी चाहिए जाएगी सारी जानकारी उनको दी जाएगी। बता दें कि 4 दिन पहले प्रतीक्षा दायमा और उसके साथी शफीक को पुलिस ने पकड़ा था। दोनों 2018 में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से MBBS कर चुकी प्रतीक्षा शर्मा के नाम की डिग्री, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेज निकालने पहुंचे थे। दोनों ने PixArt ऐप से 2020 में प्रतीक्षा शर्मा का आधार कार्ड तक बना लिया था। इसके बाद लड़की ने पहले निजी अस्पताल में नौकरी हासिल की, फिर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। वो इस चीज की जांच पड़ताल करेगी कि वहाँ के नगर पालिक के एक हॉस्पिटल में जहाँ उन्होंने आरओमओ की पोस्ट के लिए काम करना बताया है वहाँ किस आधार पर उसको जॉब दिया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में क्या क्या काम वहाँ की एजेंसी ने किया है। दूसरी टीम हमारी लगातार इस चीज की जांच पड़ताल कर रही है कि कहीं ये कोई संगठित ग्रोह तो नहीं है। पुलिस के सामने कुछ सवाल हैं जिनके जवाब खोजने में वो लगी है। मसलन, बीते 5 साल में कितनी डुप्लीकेट मार्कशीट, डिग्री, इंटर्नशिप और पासिंग सर्टिफिकेट प्रदान किए गए? MBBS के ये दस्तावेज देने के लिए विश्वविद्यालय ने किसे नियुक्त किया था? उस कर्मचारी का नाम, पता, पद और संपर्क नंबर क्या है? इसके अलावा पुलिस कुछ दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी मांग रही है। डॉक्टर प्रतीक्षा शर्मा के नाम से डुप्लीकेट मार्कशीट का आवेदन किसने किया था? इस आवेदन के साथ क्या क्या दस्तावेज लगाए गए? इस डिग्री और मार्कशीट को रिसीव करने वाला कौन था? इधर क्राइम ब्रांच पुलिस पूरे मामले के कनेक्शन को तलाशने के वास्ते आरोपियों को मालेगांव लेकर गई है। माना जा रहा है कि वहां से कोई बड़ी लीड मिल सकती है। इसके अलावा पता चला है कि प्रतीक्षा दायमा और शफीक धार और इंदौर गए थे, ऐसे में उनके वहां जाने का मोटिव क्या था, इसकी पड़ताल जारी है। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर।